Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. This is me Zainab Faisal. Welcome to my next video. So आज मैंने सोचा कि यार क्यों ना हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो मैं व्लॉग बना लूँ. मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है. हम लोग सारे बाहर जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं. अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं पापा? कोनिया. अभी हम लोग जा रहे हैं कोनिया, और कोनिया के बाद हम लोग वहाँ पे किसी मज़ार या किसी नहीं जाना मौलाना रूमी कोई मजार है, वो मैं आपको दिखाऊंगी और आहिस्ता आहिस्ता पूरा अपना आधा ट्रिप दिखा दूंगी पूर्णिया सुनिया का. तो स्टे ट्यून. और यार जाते हुए यहाँ पे बारिश हो रही है इतनी ज्यादा, वो देखो कितना प्यारा लग रहा है. व्यू ही व्यू हर तरफ नजर आ रहा है, लेकिन अब मैं तो इधर सोने लगी हूँ. जहाँ से आए ना वहाँ गर्मी थी, गर्मी से आए और रास्ते में मौसम ये हो गया. जी हाँ, रास्ते में मौसम प्यारा वाला मौसम हो गया. अब मैं आपको वहाँ जाके भी दिखाऊंगी कोनिया में कैसा मौसम है. गाइस हम लोग बाहर उतरे हैं चीज वगैरह लेने के लिए, क्योंकि हमारा दिल कर रहा था कोई स्नैक्स वगैरह लेने का. हमारी बुरी सी हालत हुई है, निकलो बाहर. फ्रेश होने जा रहे हैं. पहले हम लोग कोई ग्रोसरी स्टोर में देख ले. पहले चेक तो करो क्या क्या सामान पड़ा है यहाँ पर. मैं बताती हूँ, ये पूरी लाइन ले लेते हैं. पूरी लाइन ले लेते हैं. ये वाले चीटोज इनके मजे के होते हैं. धो लेंगे, इतने छोटे हैं यार. मिर्चों वाले कुरकुरे नहीं मिलते? नहीं मम्मा, वो सिर्फ पाकिस्तान से मिलते हैं. वो मेरे फेवरेट हैं चीटोस. खैर जो भी है अभी के लिए यही है लगता है. मिर्चों वाले नहीं, ये पता नहीं क्या चीज है. चिली लाइम है? नहीं नहीं, खट्टे से होंगे. ये इतनी ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो ज्यादा सामान तो. और मैंने बस ये एक लिया अभी. ये दिखाओ ये क्या चीज है. केक है. फिर आप ही ने बस केक लिया, मैंने चॉकलेटो लिया और ये सब चीज वगैरह. इनकी जबान में चॉकलेटे कहते हैं. चॉकलेटो कहते हैं. चॉकलेटो पीछे से पीछे की टेल है. कॉफी क्या करनी है, रख दो वापस. जो लेना लो निकलो. चलो यार खाना वाना हो गया और सब इसको ऐसे चिमड़ गए जैसे ये टैडी होता है. लेकिन यार एक किस्म का टैडी ही बना हुआ है. चेक तो करो इसकी ड्रेस. चेहरा सा डॉगी ये वो है. हस्की डॉगी देखा था ना वो है. इतनी गरम गरम कॉफी हाँ दरवाजे से मेरे हाथ में गिरी. दोबारा गिर गई है. फ्री में मिली थी तो वो बार बार गिरी जा रही है. चलो दोबारा से कोई बात नहीं होती. गाड़ी में बैठते फिर चलते हैं कोनिया शुनिया. ओके गाइस, तो हम लोग वो कोनिया का जो शहर है उधर पहुंच चुके हैं. निकल के तो कुछ ज्यादा ही अच्छा मतलब आप अपनी आंख से देखो तो प्यारा व्यू लग रहा है. फिर आप भी अपनी आंख लुक देखें. अच्छा मतलब स्टेयर से हम ऊपर चढ़ेंगे और यहाँ खड़े होंगे. अच्छा वहाँ खड़े होंगे और वहाँ से देखेंगे. अगर टर्की का कितना प्यारा फ्लैग लगा, चेक करो यार. चलो राबिया निकलो गाइस. हेलो, सबकी नींद भरी हुई आंखों में. खैर चलो जाके दिखाते हैं आपको. तो जब हम लोग चलते हैं ऊपर, क्या व्यू नजर आ रहा है ऊपर जाके. वो भी हैवी किस्म का व्यू होगा. ये आधा ये पहाड़ शहर वगैरह है और आधा ये शहर है. अच्छा आई थॉट कि ये पूरा शहर है, लेकिन ये आधा शहर है. लेकिन आधा भी चेक करो कितना बड़ा है. गाइस ये पुल भी थोड़ा थोड़ा करके हिल रहा है. अभी इन लोगों ने क्या नाम है ठीक बनाया नहीं है. देखो अभी रुकिए, इसलिए यहाँ पे कोई मतलब आया हुआ भी नहीं है, सिर्फ हम लोग ही देखते हैं. चलो बस अब हम लोगों को यार बहुत मजा आया पूरा शहर देखा. लेकिन अभी जब हम होटल पहुंचे वहाँ जाके और पूरा दिखाएंगे तो ज्यादा प्यारा लगे. कंगड़ियां बन के निकल रही हैं नीचे. गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं. ये बाजार है हम लोगों का. अब उतरेंगे तो फिर पता लगता है कैसा है. ओके तो फाइनली हम लोग उतर चुके हैं. दूर से तो देखो बाजार कितना प्यारा लग रहा है. आज मैंने और राबिया ने कोलैब किया, क्योंकि हम लोग इन सब ने बोला था कि इतने फैंसी कपड़े नहीं पहनने हैं, मतलब कोई अपना बेस्ट आउटफिट नहीं पहनना क्योंकि कुछ पता नहीं है कोई लोकेशन में. सेम हम दोनों अच्छे कपड़े पहने. ये तो वैसी जैसी थी, वो भी वैसे जैसे थी. खैर अब हम लोग चलते हैं मज़ार के अंदर, जाके भी आपको सारा कुछ दिखाते हैं. ये म्यूजियम है जो है मौलाना जलालुद्दीन रूमी की जो है अशिया वगैरह चीजें. अच्छा यहाँ पे सारी उनकी चीजें चेक कर. ये राव पता नहीं क्या देख रही. ये एक चीज है, ये एक चीज है, ये पता ये किसका हुक्का है ना. और ये कुछ डेकोरेशन पीस टाइप है. ये क्या चीज है? यहाँ सब लिखा कहाँ पे देखो. क्लास लैम्प है कोई. ओ वाओ, जो है काफी हिस्टोरिकल चीजें देख ली हैं. बाहर चलते हैं. आ गए हैं दूसरे वाले रूम में. पेंसिल शार्पनर्स हैं. ओ उस दौर में वो नहीं होता था पेंसिल, वो जो हमारे दौर में सब केसेस हैं. ये पेन केसेस है और ये वो है पेन. ये शायद जो कट करने वाला होते हैं सब. और ये पता नहीं क्या ये क्या है. इसे ही कलम है, लकड़ी की कलम. ओ अंदर वो जो इंक डाल के करते हैं इंक डालना. और ये है
कुरान में जी रहे और जो ये मेन चीज है क्या चीज है ये उनकी कलम जो हम छोटे थे हम लिखते थे आप लोग भी इसी से लिखते थे कलम होती थी ना अच्छा तो गाइस ये कलम है इनकी और ये अंदर इंक भी साथ दी हुई है ब्लैक कलर में जो इंक पड़ी है वो एक एक करके पकड़ के लिखते बहुत अच्छी थी ना ये लिखा हुआ है कैलीग्राफिस ड्रॉअर ऑटोमन 19th सेंचुरी उनकी राइटिंग तो कमाल हैवी किस्म का बाहर जाके देखते हैं ये दूसरा कमरा देखते हैं हम लोग ये क्या चीज है ये खुद लिखे हैं इन्होंने हैंडमेड वाह कितना प्यारा है सारा डेकोर हाथ से वाला माशा कितना प्यारा लिखा हुआ है यार इन लोगों ने पूरा ये इन्होंने कलम से लिखा हुआ ये उनकी राइटिंग थी हमारी राइटिंग में कुछ टेढ़ा है लेकिन उनकी राइटिंग बहुत बेस्ट है वे कमाल की नाबे वो देखो उनका गिटार ये वाला ये कुछ है ये उनका गिटार है और ये वो जो वो लोग हाथ से पकड़ के डफ डफ ये सारे इनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं ये देखो ये डफ डफ डफली जो होती है वो ये इनका गिटार ये क्या चीजें ये सारे इनके इस रूम में सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टाइप पड़े हुए ये क्या है अच्छा ये ड्रम टाइप नहीं होते आजकल के न्यू जमाने में तो चेंज हो गया खैर ये वाला रूम भी आपको मैंने सारा दिखा दिया अब चलते हैं दूसरे रूम की जाने अब हम आ चुके हैं दूसरे रूम पे यहाँ पे कारपेट टाइप वो है इनके कितने एंटीक और प्यारे हैं ये देखो ये वाले भी नो माय गुडनेस और ये वाला देखो ये हैंडमेड है मामा ये हैंडमेड है और कितने प्यारे लग रहे हैं मतलब लग नहीं ना हैंडमेड ऐसे बाजारों में मिलते हैं हम लोगों को मतलब बाहर देखा जाए तो अच्छा इस रूम में सारे कारपेट है उस रूम में वो थे राबे हैंडमेड है सारे रग्स अच्छा रग्स वो जो बिछाते हैं गाइस ये भी है ये क्या चीज है ये उनका वो तो नहीं फ्लैग प्यारा फ्लैग है नाइस येलो रेड वाइट टाइप सा कुछ और एक ये कुछ लंबा सा चीज है खैर आगे हम चलते हैं वैसे ये भी एक चीज है यहाँ मैं आपको वैसे दूसरे दिखा देती हूँ क्या चीज है ये कुछ पोर्ट टाइप से होते हैं उनके यहाँ वैसे इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है पोर्ट की इन्फॉर्मेशन कहाँ है इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी ये कुछ गोल्ड का लग रहा है मुझे मेरे ख्याल से सेंसर्स डिस्प्ले और ये उनके तीर शीर और वो तलवारें शलवारें होती थी शायद आई गेस वो है क्या प्यारा है यार ओके गाइस सो अभी जगह पे हम आए हैं ये उनके उस दौर के ड्रेसेस होते थे मतलब ये देखो ओह माय गॉड कितना प्यारा है ये उस दौर में ये लोग ऐसे ड्रेसेस पहनते थे यहाँ पे ये ड्रेस है एक ओह माय गॉडनेस ये नजर नहीं आ रहा अंदर मैं शेडो में नजर आ रही हूँ और ये उनकी सर पे पहने ना या बेल्ट थी कोई मुझे नहीं पता कमेंट में बताना है क्या चीज़ है ये बल्कि इन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सारी दी है यार यहाँ पे इतने ज़्यादा कमरे हैं मतलब हर एक ग्रुप पे जाके दिखाना पड़े लेकिन मैं क्या कर रही हूँ आप लोगों को दिखा रही हूँ इसलिए मैं हर एक ग्रुप पे जा रही हूँ खैर खुद भी एक इंसान को नॉलेज रखना चाहिए इस चीज़ को ये क्या चीज़ है अब इधर कुछ तो था जो खाली पड़ा हुआ है यहाँ पे कुछ उन्हें नजर नहीं आ रहा पड़ा हुआ ये हैंडराइटिंग उनकी कितनी ये कुछ फारसी में लिखा है लेकिन उनकी राइटिंग बहुत प्यारी थी ये उनके बस्ते थे सारे बैग जिनमें उन्होंने खुद लिखा हुआ है मतलब ये चेक करो कितना प्यारा और छोटा छोटा करके लिखा हुआ है राबिया यहाँ आई नहीं के पिक्चर लेने की इसको पड़ गई है खैर अब हम चलते हैं दूसरे रूम में आए हैं दूसरे रूम में और यहाँ पे भी अच्छी चीजें ये भी उन्होंने खुद लिखा था ये देखो ये यहाँ पे बुक है यहाँ पे सारी उसकी इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे ये मेरे ख्याल से किसी का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है इसकी गैस ये उनकी जगह थी जहाँ पे वो लोग बैठा करते थे मतलब ये इन्होंने शीशे से कवर किया हुआ है गैस ये चेक करो ऐसा लग रहा है रियल में बैठे हुए माशाल्लाह मतलब वाओ कितना प्यारा व्यू है ऐसा लग रहा है रियल फेस है मतलब बिल्कुल स्टैचू टाइप नहीं लग रहा है बिल्कुल ये है चेक करो गाइस ये भी वैसी जगह है जहाँ पे वो लिखा करते थे खुद यहाँ पे देखो यार देखो मैं आपको खुद ही डर के बैठ के खुद ही घुमा रही हूँ आप लोगों को मतलब ताकि आप अगर आप लोगों को यहाँ आना हो तो ये जरूर चीज़ें देखना है बहुत अच्छी है ये उनकी जैकेट थी मेरे ख्याल से जो हैंडमेड मतलब होम मेड है मतलब हाँ होम मेड कह रही हूँ मतलब खुद बनाया हुआ है इन्होंने खुद डिज़ाइन किया बहुत प्यारा है ये बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये वो जो काम करते हैं लेकिन यार इन्होंने कितनी अच्छा मतलब चीज़ बनाई है कि लग रहा है बिल्कुल रियल है हाँ यहाँ पे ये भी काफ़ी स्पेशल जगह है मतलब यहाँ पे मेरे ख्याल से उन्होंने यहाँ पे भी वैसे ही स्टैचू वो जो रखे वो खड़े हुए हैं जितने भी बुजुर्ग अच्छा यहाँ पे सारे वो खड़े हैं जितने भी यहाँ पे बुजुर्ग थे लंच को ओके तो लंच को यहाँ पे वो सारे वो जो बैठक उनकी होती है वो खड़े हैं वहाँ पे वो जो उनका डांस टाइप होता था और ये क्या चीज़ है यार कितना यहाँ खाना बनाने हैं ये थी इसकी ड्यूटी क्या थी हु वाज सेंट टू बाजार फॉर शॉपिंग अच्छा ये शॉपिंग के लिए जाते थे और ये था द प्लेस ऑफ एथरिस बस वेरी आई डोंट नो द
मीनिंग लेकिन कुछ तो आए। पर तो पता मौलाना रूमी ने स्टार्ट कहाँ से किया था? किचन से। ओ तो मौलाना रूमी रियल है कौन से? वो जो पहला वाला स्टैचू मैंने जब उनको पता नहीं था उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया था तो वह किचन में कुक थे और उन्होंने बड़ी सख्तियाँ झेली। इतना नॉलेज वैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं था लेकिन अब हो गया। मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत जो पता है वो तो खैर देख ही रहे हैं हम लोग को। वहाँ पे वो देखो आग चल रही है रियल वाली। अब दूसरे वहाँ पे देखते हैं वो जो वहाँ पे वो कुरान पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे वो जो बैठ के खाना वगैरह खाते थे वहाँ पे उनकी ड्यूटी लिखी हुई है लेकिन मुझे दूर से नजर नहीं आ रही। यार फोन मेरे पास है पापा का और डैडी जी खुद कहाँ पर है? वो भी ढूंढते हैं। फातिमा भी मिल गई, राबिया भी मिल गई। राबिया पापा कहाँ पे हैं? बाहर जाके उनको देखते हैं। आज अब मैंने आप लोग को सारा टूर वगैरह करा दिया ठीक है कितना लेकिन प्यारा है। अब बाहर चलते हैं। ये भी एक चीज है ये है जिनकी ये थी। हाँ भी नमाज तो पढ़ते थे वो। यार मम्मा पापा कहाँ पर है? हमने जाना भी तो है। पूरा घुमा तो दिया मैंने लोगों को। पापा खुद गायब हो गए। फातिमा पापा का पता है कहाँ है? नहीं कहाँ पे है आपको पता है पापा का कहाँ है? अंदर होंगे मेरे ख्याल से। अंदर एक बार चेक करके आते थे। राबिया राबिया आओ अंदर एक बार चेक करके आए। ये पानी में सिक्के क्यों रखे हुए हैं? ये क्या स्टाइल है? कुछ तो होता होगा लेकिन यार पापा को तो ढूंढो। अच्छा, राबिया राबिया वो जगह भी रह गया जो वो देख के कहाँ पे वो चलो वो जगह देखते हैं। सारे डैडी को भी मेन जगह वही है। मेन जगह वही है तो ये फिर विश मांगने के लिए फेंकते हैं। आप ही हम भी फेंक देते हैं लेकिन अभी मेरे पैसे गाड़ी में पड़े हुए हैं। चलो थैंक यू मेरे। आओ राबिया आओ वो जो मेन जगह है उधर जाना है। साथ पापा को भी ढूंढना है। आप ही आ जाओ। आ ही नहीं रहे मैं बात ही नहीं कोई सुन रहा। यार वो जगह रह गई आ जाओ मेन जगह वही है वहाँ। आओ राबिया आओ मैं तुम्हें देख रही हूँ राबिया इधर आ नहीं रही हो तुम। यार इनको यहाँ पिक्चर लेने की पड़ गई है। आओ जो उनकी मेन जगह है मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ हमने मतलब देखनी है जो जगह वहाँ देखते। छोटे छोटे बच्चों को देखो कहाँ बैठे हुए हैं। मैं चक्कर जाओ मैं चक्कर जाओ हम लोग अंदर जाते हैं। ये कोई इनकी मेन जगह या हर सब को लाना। ओ ये उनका ही मेरे ख्याल से। हाँ मेरे ख्याल से मज़ार है।